हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक। इस वीडियो में बात करेंगे एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, कैसे क्या क्या बेनिफिट्स और फीचर है, कैसे कार्ड को अप्लाई करना है, कैसे मुझे कार्ड मिला था, अनबॉक्सिंग मैंने बनाया था, किसे मुझे कार्ड मिला था, दो दो कार्ड मुझे मिले थे, उस वीडियो मैंने पहले बना के रखे हैं। लेकिन उससे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड कि बेनिफिट फीचर दिए हैं, तो वेलकम बेनिफिट्स में जो वाउचर्स मिल रहे हैं उसको कैसे कन्वर्ट करना और भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो चार पाँच क्वेश्चन मैंने आपके पिकअप किए हैं आपके कमेंट बॉक्स से, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं, अगर आप पुराने यूज़र, दोनों आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर फ्यूचर में भी आप एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहें तो ये बातें आपको जान लेनी चाहिए। तो उस वीडियो में जानेंगे मेनली आपको वेलकम बेनिफिट्स कैसे मिलेगा, जो 500 रुपए का वाउचर है उसे कैसे रिडीम करना है फ्लिपकार्ट पे, आपको कैसे शॉपिंग इससे करना है 500 रुपीज का। दूसरा था कि आप एक्सिस बैंक का कैशबैक जो मिल रहा है 5% का, वो कब मिलेगा, कब कार्ड में रिटर्न आएगा या रिवार्ड्स पॉइंट्स होगा, क्या होगा, क्योंकि आपने बिग बिलियन डे में शॉपिंग किया होगा तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स का मैसेज तो आ गया होगा, लेकिन कब वो कितना रुपीस अमाउंट आएगा और कब आएगा इसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया। तो इस वीडियो में बताएंगे क्या क्या कब ये आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलेगा। तीसरा था कि आपको एड ऑन कार्ड में कैशबैक मिलता है या नहीं, या कैशबैक भी और इंस्टेंट डिस्काउंट जो बिग बिलियन डे पे चल रहा था। तो एड ऑन कार्ड जो होता है, बैंक दो दो कार्ड इशू करती है एक ही कार्ड के बिहाफ पे, तो उस पर आपको डिस्काउंट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी वीडियो में जानेंगे। इससे रिलेटेड भी कमेंट्स में पूछा गया था कि दो दो कार्ड पे अलग अलग डिस्काउंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, फ्लिपकार्ट या भी जो भी सेल चलेगा आगे नेक्स्ट फ्यूचर में उसमें आप डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा। चौथा था कि डेबिट कार्ड ईएमआई पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इंस्टेंट डिस्काउंट जो भी अभी फ्लिपकार्ट पे जो ऑफर चल रहे थे बिग बिलियन डे में और फ्यूचर में जो भी ऑफर चलते हैं, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट जो रहता है डेबिट कार्ड में मिलता है या नहीं मिलता है ईएमआई करने पर, तो भी वीडियो में बनाएंगे। और डेबिट कार्ड ईएमआई हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये भी बताएंगे, क्योंकि मैंने दो तीन वीडियोस बनाए थे ईएमआई के ऊपर, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैंने एक अपडेटेड वीडियो बनाकर बता दिया था ये वीडियो में कि ये सिर्फ सिलेक्टेड फ्लिपकार्ट कस्टमर को ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा, तो वो लोग शॉपिंग कर डेबिट कार्ड का ईएमआई ले सकते हैं। और एसबीआई का प्रोवाइड नहीं किया गया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं एसबीआई का कैसे चेक करना, तो एसएमएस से चेक करने की फैसिलिटीज एसबीआई ने प्रोवाइड नहीं की और ऑनलाइन उन्होंने अवेलेबल भी नहीं कराया था। मैंने सभी प्रोडक्ट पर चेक किया तो एसबीआई का डेबिट कार्ड पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं था ईएमआई का, बाकी तीनों बैंक का था, एक्सिस का था, आईसीआईसी बैंक का, एचडीएफसी का था। तो डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे चारों टॉपिक पर, तो वीडियो आज से 8 से 10 मिनट का हो सकता है, तो आप आराम से देखिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कैसे वेलकम बेनिफिट्स को रिडीम करना है या फिर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट वगैरह कैसे मिलता है, ये सब डिटेल में जानेंगे। अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग यूज़र है तो आपका जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो बताया गया था कि वेलकम बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा 500 का वाउचर, तो उसमें बताया गया था आप कहीं भी आप पहला ट्रांजेक्शन करते हैं तो 500 का आपको कैशबैक मिलेगा। तो जैसे कि मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज कर लिया था, ना कि फ्लिपकार्ट पे इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं, आप कहीं भी आप कार्ड को फर्स्ट ट्रांजेक्शन में करना था आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का, उसमें आपको एक कैशबैक दिया जा रहा था। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने मोबाइल रिचार्ज किया था फोन पे से, तो मोबाइल रिचार्ज जैसे भी मैं करना है तो यहाँ पर मैंने कर लिया, 399 रुपीज़ का करना है, तो उसके बाद पेमेंट आपको उसी कार्ड से कर देना, कार्ड नंबर फिलअप कर। उसके बाद पेमेंट करने के बाद पेमेंट जब कंफर्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 4 से 5 घंटे बाद मैसेज आ जाता है इससे रिलेटेड कि आपका फ्लिपकार्ट वेलकम बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हैं 500 रुपीज़ का, तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा। आपको मेल पर भी मैसेज आता है, अगर आपका रजिस्टर में मेल एड्रेस क्रेडिट कार्ड के साथ ऐड है तो वहाँ पर भी ऐड आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, तो उसमें आपको क्लिक करना है सिर्फ, यहाँ पर जो आपको लिखा रहा है वेलकम वाउचर 500 रुपीज़, तो उस पर सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे, तो जो भी एप्लीकेशन आपका लॉगिन होगा वहाँ पर ये जो है वाउचर्स ऐड हो जाएगा। मैंने पहले ही ऐड कर लिया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑलरेडी एडेड है, तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, 500 देख सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट सेक्शन पर जाकर गिफ्ट कार्ड में देख सकते हैं 500 रुपीज़ है। इस 500 रुपीज़ का इस्तेमाल आप पेमेंट करने में समय कर सकते हैं, जैसे पेमेंट को भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस कन्फर्म करने के बाद पेमेंट ऑप्शन पर जाना है। पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाता है कि फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो भी अमाउंट का घट जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट बचेंगे उसको आप अलग से दूसरे पेमेंट मेथड से पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना वेलकम बेनिफिट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको एक्सिस बैंक का 5% जो कैशबैक दिया था वो कब मिलेगा, जैसे कि बताया गया था 5% कैशबैक आपको हर ट्रांजेक्शन में अनलिमिटेड दिया जा रहा है। तो जैसे कि बिग बिलियन डे में आपने शॉपिंग किया हो, तो मैंने भी शॉपिंग किया है, तो आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर दिख रहा है, तो इस प्रोडक्ट में आप नीचे में देखेंगे यहाँ पर 5% का कैशबैक एलिजिबल है, नीचे लिखा रहा है कि ये जो है नवंबर के बिल मंथ में ये एडजस्ट हो जाएगा। मींस अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर मैंने परचेस किया है तो ये नवंबर के बिल में एडजस्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, जो भी रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही ये बिल में एडजस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आप सामान मंगा कर उसे रिटर्न कर देते हैं तो फिर कैशबैक आपको डबल डबल हो जाएगा, मिल जाएगा पहले ही आपके स्टेटमेंट पे। तो ऐसा इससे करने के लिए
एक मंथ बाद आपको ये कैशबैक हर बार मिलेगा, जब भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो 5% का जो कैशबैक है आपको नेक्स्ट बिल में मिलेगा। सितंबर का बिल आपका हो गया है तो आपको नवंबर के बिल में ये दिया जाएगा, तो उसके बाद ही इस कैशबैक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैशबैक आपके स्टेटमेंट में ही आ जाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन जैसे आपने किए होंगे उसमें ये एडजस्ट कर दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐड ऑन कार्ड पे कैशबैक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे ऐड ऑन कार्ड मिलता है एक प्राइमरी कार्ड के साथ ही ऐड ऑन कार्ड, जैसे भी वीडियो मैंने बताया कि दो दो कार्ड मेरे पास आए तो दोनों कार्ड ऐसे ही है, तो दोनों पर कैशबैक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर दोनों पर इंस्टेंट डिस्काउंट जो चल रहे थे 10% वो मिल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल मैंने परचेस करके देख लिया, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट अभी सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ मेरे से पहले से क्रेडिट कार्ड ऐड है, तो देखते हैं फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, फिर नीचे भी है फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, तो दोनों में देख सकते हैं ऑफर अवेलेबल है। दो ऑफर्स लिखा रहे हैं दोनों में, 2000 डिस्काउंट यहाँ पर ऐड ऑन कार्ड पे भी है, 2000 डिस्काउंट प्राइमरी कार्ड पे भी है, तो 1750 रुपये जो कैशबैक के लिए एलिजिबल भी हैं। जो भी कैशबैक आपको 5% दिया जा रहा है तो वो भी आपको मिलेगा इस कार्ड पे। तो दोनों कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों से ही डिस्काउंट मिलता है। तो जिस बैंक का भी आपका कार्ड होगा तो हमेशा आप ऐड ऑन कार्ड लें, ऐड ऑन कार्ड से कोई घाटा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। कुछ बैंक चार्ज लेती है लेकिन जनरली ऐड ऑन कार्ड बिल्कुल फ्री होता है, तो आपको लेना चाहिए क्योंकि जो भी ऑफर्स डे चलते हैं तो दोनों कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट वगैरह जो है सेट होती है 2000 ही आपको पर डे मिलेगा। इस बार जो फ्लिपकार्ट में था कि 2000 पर डे आपको ट्रांजैक्शन का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा था, अगर आपके पास दो कार्ड होता तो दोनों से आप 2000-4000 रुपये का डिस्काउंट ले सकते थे। तो मैंने ऐसे किया, दोनों कार्ड से मैंने शॉपिंग किया है तो दोनों से मुझे डिस्काउंट्स मिल गए हैं, तो आपको भी ऐसे मिल सकता है। तो कोई फ्यूचर में भी कोई भी ऐसा ऑफर्स आता है तो आप ऐड ऑन कार्ड से शॉपिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा था कि डेबिट कार्ड पे ईएमआई मिल रहा है, तो इसी में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन ईएमआई में दिखा रहा है कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीसी बैंक से दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ईएमआई के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड नो कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो नीचे यहाँ पर दिखेगा, नीचे के ऑप्शन में आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड, उसे सिलेक्ट करने के बाद उस पर भी इंस्टेंट डिस्काउंट दिखा रहा नहीं कि 2000 रुपये का डिस्काउंट जो मिलने वाला वो तो मिलेगा ही, और जो ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी मुझे मिल रहा है 6 मंथ 6 मंथ 9 मंथ, तो जिसमें मैं कन्वर्ट करना जो कर सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा करना चाहूँगा तो ये इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे, तो उसके हिसाब से यहाँ डेबिट कार्ड का ही फैसिलिटीज़ का ईएमआई मिल रहा है, जिसे मैं इजीली यहाँ पर से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर चारों फैसिलिटीज़ यहाँ पर सारी चीज़ मिल रही, डेबिट कार्ड ईएमआई की मिल रही, इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो चार क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, क्रेडिट कार्ड से, तो मैंने इसमें वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो आई होप कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया हो, तो आप भी फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, क्रेडिट कार्ड ले लें, बहुत सारा फायदा इसमें होता है, क्योंकि 500 रुपये लग रहे हैं लेकिन 500 रुपये ज़्यादा आपको फायदा इसमें हो जाता है अगर आप शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमेशा ये 5% कैशबैक आपको मिलता रहेगा और ये अनलिमिटेड बेसिस पे है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया कि आप इतने ट्रांजेक्शन कर ही सकते हैं। अनलिमिटेड आप 1 लाख का ही ट्रांजेक्शन कर लेते हैं उस पर ही 5% आपको मिलेगा, 2 लाख का कर लेते हैं उस पर ही 5% मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा है और कैशबैक ये आपको मिल रहा है जो कि बिल में एडजस्ट हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, रिवार्ड्स पॉइंट नहीं है, कैशबैक है जो कि आप अपना बिल में एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में वीडियोस वगैरह बना के रखे हैं कैसे कार्ड अप्लाई करना, अगर आपको एग्जिस्टिंग कार्ड है तो ये वीडियो आप जाकर देख लें, आपको एग्जिस्टिंग कार्ड तो आप रिप्लेस करके ही अपना कार्ड ले सकते हैं या फिर अपग्रेड करवा कर ही ले सकते हैं, अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।